नमस्कार किसान भाइयों, प्रोग्रेसिव फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तरबूज लगाने के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और तरबूज मतलब किस प्रकार से लगाना चाहिए, जो किसान भाई नए हैं इस फील्ड में तो उनको पता नहीं होता कि तरबूज का अच्छी फसल किस तरीके से ला सकते हैं। तो हमें तरबूज फर्स्ट तो किस तरीके से हमें मल्चिंग कैसे करना है, जुताई किस प्रकार से करना है, बेड किस प्रकार से निकालने हैं, तो ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। की जुताई करने के लिए सबसे पहले तो ज़मीन की गहराई तक हमें प्लाव चलाना पड़ेगा। और प्लाव के बाद या प्लाव के पहले हमें खेत में 3 से 4 टन गोबर की खाद डालनी है। या तो गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हमें जैविक खाद या तो वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। और इसके बाद हमें अच्छे तरीके से उससे रोटावेटर चला के हमें सारी मिट्टी सॉफ्ट करनी है। और उसके बाद हमें उसके ऊपर 6 फीट या 6 फीट से लेकर 6.5 फीट तक हमें उसके ऊपर बेड बनाने हैं अच्छे तरीके से। और बेड के अंदर जो हमें बेड के अंदर हमें बेसल खाद भी डालनी है। उसके बाद हमें उसके ऊपर ड्रिप इंस्टॉलेशन करना है। ड्रिप इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो उससे हमें 16 mm की ड्रिप इंस्टॉलेशन करनी है। ड्रिप से छोड़ना है हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनस, क्योंकि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनस इसलिए छोड़ना है कि जब हमारी तरबूज की फसल 50 या 55 दिन के बाद उसमें फ्यूजारे में विल्ट नाम की एक डिसीज़ आती है, उसकी वजह से हमारा 10% से लेकर 80% तक नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनस बेड के अंदर छोड़नी है। लेकिन उसको छोड़ने के लिए एक हमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी। 1 किलो ट्राइकोडर्मा और 1 किलो सुडोमोनस ये हमें 200 लीटर के बैरल में हमें उसको काउंट बढ़ाने के लिए डालना पड़ेगा पानी में। तो उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करने के लिए गुड़ की आवश्यकता है। 1 से 2 किलो तक गुड़ हमें उसके अंदर डालना है। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेगा वो, तो इसके लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद हमें बेड पर ये छोड़ने के बाद अच्छे से मल्चिंग पेपर डाल के हमें उसके ऊपर होल मारने हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि होल का अंतर कितना रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, ये जो मल्चिंग पे होल है इसका भी गैप कितना रखना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बनाते टाइम ये जो गैप है होल का, जब किसान भाई कुछ नए होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड से ये होल बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। जब ये जो होल है और ये गैप है ये 1 फीट से लेकर 1.25 फीट तक रख सकते हैं हम, लेकिन इसके बाजू में दूसरा होल नहीं मारना है। और ये जो बेड है इस दूसरा बेड है तो ये गैप हमें दोनों के अंदर का गैप 6 से लेकर 6.5 तक रखना है। हाइस्ट गैप हमें ये 7 फीट तक रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है बुआई की। तो बुआई करने से पहले बीज को हमें सील ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सील ट्रीटमेंट के लिए हमें थाइमेटोक्सम 30% का यूज़ करना है, जो कि GSP का स्लेयर प्रो, UPL का रेनो और सीजेंटा का क्रूजर, इसमें थाइमेटोक्सम 30% आता है। इसके अलावा हमें मार्केट में और भी कीटनाशक मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो अवेलेबल हो जाएगा वो आपको लेना है। 1 एकड़ में हमें 5,500 से लेकर 6,500 तक बीज लगाने हैं और उसके ऊपर ही हमें सीड ट्रीटमेंट करनी है। इसके लिए हमें 30 ml थाइमेटोक्सम 30% लेना है और इसका हमें यूज़ करना है। सीड ट्रीटमेंट के बाद हमें बुआई करनी है, लेकिन उससे पहले भी हमें ध्यान रखना है कि नमी ज़मीन के अंदर अच्छे से नमी बनी हो। उसके लिए हमें सीड लगाने से पहले, बुआई के पहले हमें 5 से 6 घंटे पानी देना है बेड के ऊपर। तो इसके बाद किसान भाइयों, जब हमारी बुआई हो जाएगी तो 2 घंटे उसको पानी देना है। लेकिन जब तक जर्मिनेशन 70 से 80% नहीं हो जाता तब तक हमें उसको पानी नहीं देना है। उसके बाद जब फसल 2-3 पत्तों पे आ जाएगी तो हमें उसको ड्रेंचिंग करनी है। तो ड्रेंचिंग किस कीटनाशक और फंगीसाइड से करनी है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
किसान भाइयों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।